गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरआर क्लासेस। आरआर क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 11 अगस्त है। 11 अगस्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। इसीलिए हिरोशिमा में 6 अगस्त को बम गिराया गया था, इसीलिए हम हिरोशिमा डे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है। इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी भारत करेगा। इसका विषय है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिप्टी एनएसए स्तर की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो डिप्टी एनएसए स्तर की पहली बैठक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई है। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अनुपम श्याम एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार पीएस बनर्जी का निधन हुआ है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार पीएस बनर्जी का निधन हुआ है जो कि केरल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। होमलैंड एक इंटीरियर ब्रांड है, तो महेंद्र सिंह धोनी इसके पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया जो कि एक हॉकी प्लेयर है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनको महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है? तो भारत और यूएई के सेना ने नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइक्लोथान कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसे जम्मू कश्मीर के डल झील के तट पर मनाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कम लागत वाली जल शोधन इकाई विकसित की? तो अभी आईआईटी जोधपुर ने कम लागत वाली जल शोधन इकाई विकसित की है। यह एक कम लागत वाला फिल्टर है जिसे अभी राजस्थान के 5 सरकारी स्कूलों में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप भी है और पोर्टल भी है। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने? तो मोहम्मद मुखबर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। ईरान का कैपिटल तेहरान है। ईरान का करेंसी ईरानी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14-year-old नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस बुक को वृषा मित्तल ने लिखी है। 14 वर्षीय वृषा मित्तल ने इस बुक में लॉकडाउन की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन रूस में किया जाएगा। इसमें भारत के 101 सदस्य दल हिस्सा लेंगे। ये 22 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा। रूस की कैपिटल मॉस्को है। रूस की करेंसी रशियन रूबल है। रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिस्तुतिन। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।